नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। सोमवार से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी जा रही है। इन सब के बीच सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद का प्लान भी तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ और रियायतें मिलेगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों को फिलहाल ये छूट नहीं मिलेगी। कोरोना के मामले कम होने के साथ साथ छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। यह है लॉकडाउन का एग्जिट प्लान। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने लॉकडाउन के बाद के लिए ये प्लान तैयार किया है। 3 मई के बाद ट्रेन प्लेन से आवागमन फिलहाल मुश्किल है, पर इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में सिर्फ शहर के भीतर ही आवागमन की मंजूरी मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा, इसे लंबे वक्त तक अनिवार्य रखा जा सकता है। घर से निकलने की छूट मिल सकती है, पर मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से दूरी का ख्याल रखना होगा। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाज़त मिल सकती है। किसी जगह भीड़ के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शादी समारोह, धार्मिक स्थानों जैसी जगहों को लेकर फिलहाल राहत नहीं मिल सकती है। शादी से अधिकतम कितने मेहमान आ सकते हैं, इसके लिए आपको DM से लिखित अनुमति लेनी होगी। 3 मई के बाद जनोपयोगी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ राहत दी जा सकती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसी इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। यहाँ लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल पालन होगा। सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।